नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं प्राचीन जो भारतीय गणितीय विधि थी उससे हम वर्गमूल कैसे निकालते थे, तो उस विधि का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और वर्गमूल विधि है ये कि हम किसी भी संख्या का केवल एक से लेके 99 तक संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकाल लेते हैं वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमें संख्या दी है 44, ठीक है, तो जो भारतीय प्राचीन गणितीय विधि थी उसमें वर्गमूल कैसे निकालते थे, क्या करते थे? सर्वप्रथम हम दहाई का अंक लेते थे, ठीक है। दहाई का अंक लेने के बाद यहाँ उसका हम वर्ग कर देते थे। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी, दहाई और इकाई, ठीक है, दोनों की हम गुणा करके यहां लिखते थे। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या थी, जो इकाई का अंक होता था उसकी गुणा करके यहां लिखते थे। अब इसके लिए हम जोड़ देते थे, ठीक है। कैसे, ये आपका हो गया 4 चौक कितना हो गया 16, 4 चौक 16 का हम यहाँ 6 लिखते थे और एक हमारा यहाँ जाता था। ये आपका कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया, ये कितना हो गया 4 चौक 16 हो गया। तो जब 16 16 जोड़ेंगे और एक ये हासिल का जोड़ेंगे यहाँ, तो 16 2 32 और 1 33 का 3 लिखते थे यहाँ, ठीक है। अब 3 यहाँ पर हमारा ज्यादा था, ये 4 चौक कितना हो गया 16 और 3 इसमें जोड़ दिए, तो 16 और 3 कितना हुआ, ये आपको हो जाता था 19। तो इसका जो वर्ग आएगा वो 19 3 36 यानी 1936 इसका वर्ग आएगा, किसका 44 का। ये जो थी ये भारतीय प्राचीन गणितीय विधि ही वर्गमूल वाली, ये था आपका पहला सवाल। ऐसे हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कोई सवाल, एक दूसरा देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने संख्या ले ली कितनी 95, ठीक है, हमने यहाँ संख्या ले ली 95, तो इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन क्या बताई थी कि जो दहाई का अंक होता है उसकी हम गुणा करते हैं यानी वर्ग करते हैं। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या थी, जो इकाई और दहाई का अंक होता है उन दोनों की गुणा करके यहाँ 2 बार लिखते हैं ये। इसके बाद थर्ड कंडीशन क्या होती है, जो इकाई का अंक होता है उसका वर्ग हम यहाँ करके लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, फिर क्या करेंगे, इसकी हम जब गुणा करके लिखेंगे वर्ग करेंगे 5 का, तो ये हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। ये हम गुणा करेंगे 9 और 5 की, 9 5 45 और 9 5 45, 9 81। अब इसको हम जोड़ते कैसे, ये तरीका जोड़ देख ले, ये आपका 25 है, ठीक है, ये आपका कितना है 25 है, इसका हम केवल यहाँ 5 लिखते हैं। ये 2 हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा इसमें जाके, ये हम दोनों जोड़ देंगे 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 और 2 92 के हम 2 लिखेंगे केवल यहाँ, और 9 हमारा यहाँ चला जाएगा, तो 8 और 1 ये जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90। तो कहने का मतलब ये है कि जो 95 है इसका हम वर्ग देखेंगे तो कितना आएगा 90 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसी एक सवाल और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या दी हुई है 91, ठीक है, क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जो दहाई का अंक होता है उसकी हम उसका वर्ग करते हैं 9 गुणा 9, फिर सेकंड कंडीशन क्या होती है, दहाई और इकाई का अंक होता है उन दोनों गुणा हम 2 बार करते हैं, जैसे 91, इसका इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 9 है। इसी फिर थर्ड कंडीशन में क्या होता है, जो इकाई का अंक होता है उसका भी हम यहाँ वर्ग कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं, ये हम गुणा कर लेंगे यहाँ, 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 एकम 9 हो जाएगा, ये 9 81 हो जाएगा 81। अब ये 1 और 1 की जब गुणा करेंगे तो हमारा 1 आएगा, हम यहाँ 1
उतार देंगे। अब ये 9 और 9 जोड़ेंगे तो 18 के 8 हो जाएगा, 18 के 8 यहाँ लिख देंगे, एक इसमें जोड़ देंगे ले जाके, तो 8 81 और कितना हो जाएगा 82। तो कहने का मतलब ये 91 का जो वर्ग करेंगे हम तो 8281 आंसर आ जाएगा।